राम राम जी। ये मत समझना आज हमारी छुट्टी है, हम स्कूल से आ चुके हैं, टाइम हो चुका है 2:30 के ऊपर और आज मम्मी ने बनाए है पकौड़े वाले कढ़ी चावल। ये जी निशु हलवा नहीं खाके, हलवा इतना अच्छा रहता है खाके क्यों नहीं आई पता नहीं, मुझे दे देती। देखो जी कितनी सुखड़ी हड्डी है, बनियान भी निकल रही है, पैर कितने सुकड़े सुकड़े। लेकिन हाँ ये बात सच है ये सुकड़ी हड्डी, लेकिन इसका वेट ना इतना भारी है क्या बताऊं। और माँ का घर तो एक किचन ही बन गया है, क्या करूँ सारे दिन किचन का ही काम रहता है, किचन ही बनेगा। हाँ, खाना गर्मा गर्म पकौड़े वाली कढ़ी और साथ में है चावल। ये निशु का प्लेट, ये मेरी प्लेट और ये मम्मा की प्लेट। आज निशु का तो पता नहीं लेकिन मुझे पकौड़े कढ़ी में घले हुए बहुत ज्यादा पसंद है, ये बहुत नरम नरम होता है। जी कैसे हैं आप सभी, हम पर जी दया है, ऊपर वाले की आप सभी का आशीर्वाद है, नया दिन आप सभी को मुबारक हो। अभी है जी लंच का टाइम, बच्चे आ चुके हैं, 3 से ऊपर हो गया है और आज बनाया है चावल और पकौड़े वाली कढ़ी। मुझे तो ना बहुत टेस्टी लगती है पकौड़े वाली कढ़ी ना, और चावल के साथ ना बहुत मजा आया है। तो अभी डाल लिए, अभी बच्चे खाने लग गए हैं जी, तो खाते हैं, अभी सब्र नहीं हो रहा है, भूख लग रही है और ऐसे देख के तो और ज़्यादा भूख बढ़ जाती है। और योशी को भी पसंद है, निशु को भी अच्छी लगती है, तो अभी खा रहे हैं जी खाना, इसके पापा आएंगे तब खाएंगे जी, लेट हो रहा है तो अभी खा लेते हैं। शाम के 6:30 बजे बच्चे तो चले गए जी, आज कराटे क्लास है तो उसमें जा रहे हैं। आज तो जी चाय भी नसीब नहीं हुई, ये तो मन था कि चाय पियेंगे। आप पूछो नहीं, आप तो क्यों पूछोगे, मैं ही बता देती हूँ। आज सुबह दूध लेने मैं गई थी और जो आंटी आई थी ना कथा वगैरह सुनाती है मेरे को, वो भी लेके आते हैं, तो उनके बहू है मतलब पूजा फ्रेंड, वो गई थी तो हम दोनों गए थे, वो भी लेके आते हैं वहीं से। तो आज हस्बैंड के पास टाइम नहीं था तो मैं चली गई लेने कि चलो मैं लेके आती हूँ, तो बच्चों को स्कूल के लिए छोड़ के उसके बाद गई, पहले जाती तो टाइम नहीं था। तो बाद में गई तो वो चेची बोल रही है कि दूध तो खत्म हो गया है ही नहीं, अब हर दिन लेने वाले और फिर भी मतलब ऐसे किया कि पता है कि हर दिन लेके जाते हैं तो थोड़ा लेट सेट तो हो सकते हैं ना, तो नहीं रखा उसने, दिया नहीं, बोली शाम को लेके जाना। तो अभी हस्बैंड शाम को लेके आए हैं, फिर मैं सोचा इतनी लेट क्या चाय बनाऊँ, इतनी लेट चाय बनाऊंगी फिर खाने के लिए भूख नहीं रहेगी, तो आज चाय बस मन में तो बहुत थी कि पीऊंगी क्योंकि कई दिन हो गए चाय पे ना, तो पी थी शायद संडे को पी होगी, उसके बाद नहीं पी है। तो सोचा था आज हस्बैंड टाइम से आएंगे तो बनाएंगे, अकेली नहीं बनाती मैं, मन नहीं करता, कोई आ जाता है तो बात अलग है, नहीं तो अकेली नहीं बनाती। पर चाय भी नसीब नहीं हुई, बच्चे तो जा रहे हैं कराटे में, मैं सोच रही किचन का काम ही खत्म कर लूँ, ये तो एक कुछ बनाना है उसके लिए तोड़े तुलसी के पत्ते हैं और एलोवेरा है, अभी तो अभी दूध लाए तो दूध गर्म करूंगी, ये दूध रखा है डाला भी नहीं है, और ये रखे हैं दिन में आज कढ़ी पकौड़े बनाए थे ना, देखो बची रखी है, चावल भी बचे रखे हैं, काफ़ी बच रहे हैं देखो, तो देखती हूँ इनका यूज करके कुछ बनाऊंगी। बर्तन वर्तन रखने हैं, ये काम है, अभी बिखरा पड़ा है मतलब किचन ऐसे बिखरा रहे ना, जगह जगह कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ रखा है तो मन नहीं लगता, तो अभी ये सब समेट लूँगी और लगभग 7:30 के बाद आएंगे बच्चे, 1 घंटा बच्चे आने में, तो तब तक ये किचन का काम समेट के और डिनर बनाती हूँ कुछ खाने के लिए, ये सब काम करते हैं जी, तब तक बच्चे भी आ जाएंगे। रात 8 बजे मेरा बच्चा आ गया है जी कराटे से, अलग सरप्राइज भी है। क्या सरप्राइज है बताओ, कैसे कलर गेट कलर आपको बेल्ट मिल गई, रोज वाले पहन के नहीं आया देख लिया योशी को जी आज ऑरेंज वाली बेल्ट मिली है कराटे में, वेरी गुड वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे बच्चे। जब सब तालियां बजा रहे थे ना बस ऐसे खड़ा था, हैं सब तालियां बजा रहे थे सब सीना ताल के, ठीक वेरी गुड बहुत अच्छा। तो ये जी खुशखबरी, योशी को ऑरेंज बेल्ट मिल गई आज कराटे में, बधाई हो योशी, बहुत बहुत बधाई हो, इसके बदले समोसे जलेबी की पार्टी। ओके हो जाएगी, अच्छी चीज नहीं मांगी, देखो तली हुई चीज समोसे जलेबी की पार्टी, ठीक है ठीक है। समोसा जी, ये तो जी आज खुशखबरी मिल गई बच्चे को, और हमें हाँ ठीक है समोसा खाएंगे, अब जिद कर रहे हैं तो पड़ेगा खिलाना। तो योशी कोई भाई तुझे बधाई देना चाहेगा तो कमेंट में लिख देगा भाई, है योशी आपको कोई बधाई देना चाहेगा तो कमेंट में लिख देगा। यहाँ पे जी बन रहा है खाना, सुना पहली बार बना ले, ये बन रहा है जी बचे हुए चावल थे तो उसका ढोसा लगा लो या कुछ भी लगा लो, ये मैंने चेक करके देखा था कैसे बना, तो सही है टेस्ट तो अच्छे, इसमें सब्जियां डालनी बहुत सारी, पर थोड़ा सा ना मुश्किल हो रहा चिपक रहा है, मतलब ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, तो ट्राई करते रहेंगे क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि ऐसी चीजें बनाई जाती हैं जो फेल हो जाती हैं जब पहली बार कोई ट्राई करते हैं, फिर धीरे धीरे इम्प्रूव किया जाता है। तो ये जी बनाया था, मतलब बन तो रहे हैं लेकिन ना बहुत टाइम लग रहा है, बिल्कुल स्लो गैस पे मैं बना रही हूँ, और ये देखो ये बनाया है इस तरह से, वैसे टेस्ट अच्छा है क्योंकि इसमें सब्जियां हैं बहुत सारी ना, शिमला मिर्च डाला, गाजर डाला, मटर डाला
और पत्ता गोभी डाला, ये सभी सब्जियां डाली हैं। चावल थे दिन के बचे, उनको मैंने ग्राइंड किया और थोड़ा सूजी डाला है, पानी डाला था, ये सब चीज़ें हैं। पर ये थोड़ा जैसे ना मतलब पकने में टाइम ले रहा है, चिपक रहा है तवे पे, नॉन स्टिकी तवा है लेकिन फिर भी थोड़ा चिपक रहा है, मतलब इसमें कुछ परफेक्ट नहीं है। तो जी ज़रूरी नहीं होता कि हम कोई भी चीज़ पहली बार में बनाएं तो वो परफेक्ट बने, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो परफेक्ट नहीं बनती हैं। तो आज ऐसे ही हो रहा है, मतलब खाने जैसे तो बन रहे हैं लेकिन मतलब ऐसे नहीं बन रहा कि हाँ भाई मुझे ये आ गया। तो जी धीरे धीरे ऐसे ही सीखते रहेंगे, गलतियाँ करते रहेंगे, उनसे सीखते रहेंगे, हो सकता है अगली बार कुछ और नई चीज़ इसमें ऐड करेंगे, कुछ कम ज़्यादा करेंगे ताकि अच्छे बन जाए, ऐसे ही तो होता है। तो आप तक होममेड बाजार पर जो भी वीडियो आती है ना, बड़ी मेहनत लगती है, कई बार चीज़ें बनाई जाती हैं, बिगाड़ी जाती हैं, जब परफेक्ट बनती है तब आप लोगों के साथ शेयर की जाती है। तो प्लीज़ उस चैनल पर भी अपना प्यार दिखाओ, थोड़े वीडियो को चेक किया करो, हो सकता है आपको पसंद आए। और काम उस पर इसलिए आते हैं क्योंकि कई दिन लगते हैं, कोई भी चीज़ होती है उसको मैं पहले ट्राई करती हूँ तभी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका रिजल्ट मुझे बेकार मिलता है तो वो फिर आप लोगों के साथ शेयर ही नहीं होती। तो जी खा बना लेते हैं खाना और फिर करेंगे डिनर। डिनर में बहुत कुछ है, चावल बचे हुए थे ना तो मैंने खीर बना दी, ये देखिए ये तो खीर बना दी, बचे हुए थे ना, थोड़े चावल छोड़ भी दिए, कड़ी भी है तो कोई कुछ खाएगा वो खा लेगा, और ये बना दिया इस तरह से डोसा। ये थोड़ा सा चिपक गया, गैस को मैंने थोड़ा तेज कर दिया तो थोड़ा सा हो गया। ये रात के 9:30 बजे, ये देखो जी खाना पीना तो हो गया, किचन की हालत देखो, मतलब हो क्या रही है समझ में ही नहीं आ रहा। और ये हालत किस लिए है, क्योंकि पानी अभी आया है जस्ट, आज ना पानी नहीं आ रहा था दोपहर से, अभी आया है जाके, तो अभी ये सब क्लीन होगा और इसके बाद फिर सोया जाएगा, नहीं तो हो जाता कब का क्लीन, पानी आया होता तो। आज पानी बहुत लेट आया, पता नहीं क्या चक्कर हो गया था, तो लेट हो जाएगा अभी सोने में, इतने सारे बर्तन है, पूरा ये किचन साफ होगा, निशू तो सो चुकी है और थक गए हम भी, तो बस दूध को जमाना है, जो बाकी बचा है ले लिया सबने, तो दूध का काम ख़त्म करके मैं किचन क्लीन कर दूँ, आधा घंटा तो लग ही जाएगा साफ करने में, मुँह धोना है, ब्रश करने वाला, ये सब काम करके, कपड़े भी नहीं धुले आज तो, और कल हो जाएगा बृहस्पतिवार, तो कल मैं वैसे नहीं धोती हूँ, पर अभी देखूंगी आज धुले ही नहीं तो कल धो लूँगी, और क्या करूँ, तो कपड़े पड़े हैं दो बार धुलेंगे, इतने कपड़े पड़े हैं, नहीं कपड़े धुले और अभी ये बर्तन लेट हो गए, तो करते हैं जी काम, क्योंकि 9:30 तो पहले ही हो चुके हैं, 10:30 हो जाएंगे सोंगे तब तक। तो आज के ब्लॉग को ख़त्म करते हैं और काम करते हैं। अगर आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना, अपना प्यार आशीर्वाद हमेशा हम पर बनाए रखना। कल फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में, आप सभी को शुभरात्रि, राम राम जी।